इस उद्देश्य को लेकर आज अनियमित महासंघ के बैनर तले हड़ताल रैली में शामिल हुए हैं और अपनी जो घोषणा पत्र में जो सरकार ने वादा किया था कि 50% की मांग आपके वेतन वृद्धि किया जाएगा उसके लेकर हम शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर स्कूल सफाई कर्मचारी 20 साल से परेशान है, स्कूलों की सफाई कर रहे हैं, स्कूल में सबका वेतन बढ़ा, शिक्षकों को बढ़ा, बाबू को बढ़ा, सबको बढ़ा, लेकिन मेरा स्कूल सफाई कर्मचारी आज रोड में है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से, भीख मांगते अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से, भीख मांगते हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है, हमारी मांगे जायज है, जायज है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 75 से अधिक संगठन यहां पर आज रैली निकाल कर प्रदर्शन कर रहे हैं नियमितीकरण सहित अन्य 10 सूत्री मांगों को लेकर। कुल समाई कर्मचारी संघ के हमारे साथ प्रदीप वर्मा जी चर्चा में जुड़ेंगे, जो क्या कहेंगे, स्कूल सफाई कर्मचारी भी लगातार अपनी मांगों के लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, स्कूल सफाई कर्मचारी 14 वर्षों से शासकीय स्कूल में काम कर रहे हैं, उनको महज लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये वेतन दिया जाता है, जो कि इस महंगाई भरे दौर में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है, खर्च के सहारे जीवन यापन करना पड़ता है। इस उद्देश्य को लेकर आज अनियमित महासंघ के बैनर तले हड़ताल रैली में शामिल हुए हैं और अपनी जो घोषणा पत्र में जो सरकार ने वादा किया था कि 50% की मांग आपके वेतन वृद्धि किया जाएगा उसके लेकर हम शामिल हुए हैं। हम चाहते हैं कि 3 हज़ार रुपये में हमारा परिवार नहीं चलता है, हमें कलेक्टर दर पर वेतन भुगतान करते हुए चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज हड़ताल में शामिल हुए हैं। हमारे फिर से हम विजय जी से चर्चा में जुड़ेंगे। विजय जी, सफाई कर्मी भी लगातार अपनी मांगों को लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? दोनों सरकारों ने सफाई कर्मचारियों को पूरा यूज किया, अपनी सरकार बना लिया, दोनों बार धोखा दिए हैं। अब विधानसभा सत्र में स्कूल सफाई कर्मचारी अभी संतोष खांडेकर जी ब्लॉक में, जिले में, संभाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान एक बार स्कूल सफाई कर्मचारियों का भी जंगी प्रदर्शन होगा। 3 हज़ार रुपये में कोई भी परिवार नहीं चल सकता और इनके हड़ताल में बार बार ओपी चौधरी जी आए थे, अरुण साहू जी आए थे, गौरी शंकर श्रीवास जी तो बिल्कुल सामने में पालथी मोड़ के बैठे रहते थे, अब वो नहीं आएंगे। अब कांग्रेस के लोग आके समर्थन करेंगे। कुल मिलाकर के विपक्ष में रहते हैं तो समर्थन करते हैं और सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं। नक्सलवाद की बात करो, मेरा कितना पुलिस कर्मचारी दिवंगत हो रहा है, कल मेरा भरत साहू रायपुर में दिवंगत हो गया। ईमानदारी से दोनों पार्टी नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किए, न केंद्र सरकार ने किया, और जीरम घाटी का रिपोर्ट नहीं आया साहब। पंचायत सचिवों को झोलटू राम बना के चले गए मुख्यमंत्री जी कि आपके लिए कमेटी गठित करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अजीत जोगी से लेकर विष्णुदेव साय तक के जितने मुख्यमंत्री रहे कोई भी कमेटी का गठन हुआ? ये पुलिस वाले बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, इनको हफ्ते में एक दिन की छुट्टी की बात की गई थी, पूछ लो इनको छुट्टी मिल रहा क्या? कितना झूठ बोलोगे, कितना वादा खिलाफी करोगे और झूठ बोलकर सरकार में आओगे? अभी आ जाओ, चड्डी पहन के फूल खिला हो जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, गाँव गाँव में जिला पंचायत चुनाव, महापौर का चुनाव, लोग अपना बदला लेंगे। हमारा तो केजरीवाल जी जेल में बंद है, दिल्ली में कई नारा चढ़ा, जेल का बदला वोट से। क्या भारत में केवल केजरीवाल वाली बेईमान है, भ्रष्ट है? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर नरेंद्र मोदी यदि उनकी माँ दूध पिलाई है तो ईडी का छापा मारे। केजरीवाल से मनीष सिसोदिया से 10 गुना ज़्यादा संपत्ति मिलेगा, लेकिन सीबीआई और ईडी इनके जेब में है। न्यायपालिका को भी डस्टबिन में आर्डर को डाला जा रहा है। कुल मिलाकर सब तरफ लोकतंत्र की हत्या है। अब भगवान राम ने तो इनको अवकाश बता दिया, राम राम बोले थे, अब राम नाम सत्य हो गया है। देखते हैं कितने दिन सरकार चलती है, यदि मध्यावधि चुनाव होगा तो एक बार फिर हमारा मौका आएगा और इनको बताएंगे कैसा मोदी का गारंटी और कैसा वादा खिलाफी। कुल मिलाकर स्कूल सफाई कर्मचारी 20 साल से परेशान है, स्कूलों की सफाई कर रहे हैं, स्कूल में सबका वेतन बढ़ा, शिक्षकों को बढ़ा, बाबू को बढ़ा, सबको बढ़ा, लेकिन मेरा स्कूल सफाई कर्मचारी आज रोड में है, 3 हज़ार में अपने परिवार को नहीं चला पा रहा है। ये तो श्रम कानून का उल्लंघन है। 4 हज़ार रुपया देंगे बोले थे श्रम सम्मान निधि भूपेश बघेल जी, सरकार हट गई, नहीं देंगे। ये देखिए अभी सरकार हट गई, नजूल का जो पट्टा का हुआ था हम बदल देंगे, इसका मतलब है जो सरकार बदलेगी वो सरकार का कानून भी बदल जाएगा, ये कौन सी बात है? और छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि भाजपा और कांग्रेस में IAS IPS बटे हुए हैं। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के माथे में लिखा था तेरा बाप चोर है, वैसे IAS कुछ कांग्रेसी हैं और कुछ भाजपाई हैं। भाजपा सरकार रहता है तो कांग्रेसी जेल में रहते हैं और कांग्रेस सरकार रहते हैं तो भाजपाई लोग में रहते हैं। ये बंटवारा लोकतंत्र और सरकार के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। आज निकल इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा, ये आप देखेंगे। मैं आपके माध्यम से स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों को 24 घंटे के अंदर विधानसभा सत्र के पहले पूरा करने की मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से, अन्यथा विधानसभा में विधानसभा का घेराव किया जाएगा और मंत्रालय का घेराव किया जाएगा।